अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएमसी के हवाले से। वो स्टूडेंट जिन पे यूएमसी बन चुकी है, उन्होंने आखिर नेक्स्ट क्या करना है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा आखिर ये यूएमसी होती क्या है, आप इससे किस तरह बच सकते हैं, और अगर आप पे यूएमसी केस बन जाए तो आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूएमसी यानी कि अनफेयर मीन केस, दोस्तों ये तब बनती है जब आप फाइनल इम्तिहान देने के लिए इस्लामिक बाल ओपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आप अपने दिमाग और हाथ के अलावा कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं यानी कि बूटी लेके जाते हैं, या कहीं से चीटिंग करके लिखने की कोशिश करते हैं, या आप एग्जामिनर से ऐसी बदतमीजी कर लेते हैं जो कि यूएमसी के दायरा कार में आती है। दोस्तों, अब एग्जामिनर आप पे यूएमसी बना सकता है। इसके अलावा ये आपका चला जाता है केस, फिर आपको एक मौका दिया जाता है कि आप इसे डिफेंड करें। जब रिजल्ट आता है तो फिर आपको एक लेटर इशू किया जाता है कि फलानी डेट को आपने इस मौके पे पहुंच जाना है, आपको सुनवाई के लिए एक मौका दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो लेटर पे मेंशन है, यानी कि चीटिंग नहीं की या कोई मवाद कैरी नहीं किया या आपने कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर तो आपकी यूएमसी हट जाएगी। लेकिन यूएमसी बनती उसी वक्त है जब आपका 100% कसूर हो। तो आपने करना यह है कि जो लेटर आया उसको साथ लेके हाजिरी आपने लाजमी लगवानी है, पेश होना है और साफ कह देना है कि जैसा आपका फैसला हो मुझे मंजूर है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 100% कैंसिल ही होगा। इसके अलावा आप पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है लेकिन अमूमन नहीं होती, तो इतना परेशान नहीं होना। सिंपली कहें कि जी जो आपकी मर्जी मुझे कबूल है, तो ऐसे में वो आपका ज्यादा से ज्यादा पेपर कैंसिल कर देंगे, आप रीअपीयर दे दीजिएगा। ऐसे में आपका जो है वो सीन क्लियर हो जाता है। अगर यूएमसी की बात करें तो काफी हद तक आपको सजा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2-3 साल के लिए बैन कर दे, फिर आप क्या कर सकते हैं? कोई यूनिवर्सिटी, कोई बोर्ड आपको एडमिशन नहीं देगा। सिंपली उसको फेस कीजिए, अटेंड कीजिए, जो फैसला हो कबूल कीजिए, घर आ जाए और नेक्स्ट टाइम अपना पेपर जो है वो दे दीजिए। जस्ट आपने ये करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।